तो मेरे को माइनक्राफ्ट खेलते हुए 2 साल हो चुके हैं एंड इन 2 सालों में मैंने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए हैं, जिनमें से एक है बिस्कुट। बिस्कुट मेरा बहुत अच्छा दोस्त एंड मेरा बहुत बड़ा राइवल। बिस्कुट और मैं दोनों ही खेलते हैं एमसीपी एसएमपी के अंदर एंड उधर हम दोनों एक दूसरे पे अंधा भरोसा करते हैं। बट आज ऐसा क्या हो गया कि बिस्कुट ने मेरे को बीट रे कर दिया, वो भी एमसीपी एसएमपी के अंदर। पे मैं आया कैसे, वो जानने के लिए हमको थोड़ा टाइम पहले आना पड़ेगा जहाँ पे मैं और मेरी टीम ने पूरी एसएमपी डोमिनेट कर रखी थी। और बताओ दोस्तों, कैसी फीलिंग आ रही है एसएमपी डोमिनेट करने के बाद? भैया सच बोलूं तो अब एसएमपी में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। इस टीम ने हमको दिया ही क्या है, चाहे हमने पूरी एसएमपी डोमिनेट कर ली हो लेकिन अब मैं एसएमपी का वीकेस्ट प्लेयर बन चुका हूँ। देखा जाए तो कोई भी नूब से नूब प्लेयर मुझे मार सकता है। मैं अभी किस हालत में हूँ, 5 हार्ट कोई गियर नहीं, मुझे अभी आप अगर 4 क्रिट भी मारो ना यहीं पे खत्म हो जाऊंगा मैं। अब एसएमपी भी बोरिंग हो चुकी है, मैंने सोच लिया मैं अब ये टीम मतलब पिक गैंग छोड़ रहा हूँ। देखो सेम ही रीजन है इसलिए मैं टीम लीव कर रहा हूँ। सब जा रहे हैं तो मेरे रुकने का क्या ही फायदा, तो ठीक है मैं भी जाता हूँ। तुम लोग पागल हो क्या, हमने पूरी एसएमपी डोमिनेट कर रखी है तुम लोग बस छोटे से रीजन की वजह से टीम लेफ्ट कर रहे हो। पेंगुइन तो है ना मेरे साथ भाई, मुझे भी इस टीम में रहने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है फिर मिलेंगे कभी, तुम लोग भी जाओ। एंड मैं यहाँ पे पूरा अकेला हो चुका था एंड वो कहते हैं ना कि अगर दोस्त नहीं होते तो खेलने का मन नहीं करता है, ऐसे ही कुछ मेरे साथ होने लगा एंड मैं बहुत दिनों तक एमसीपी एसएमपी में लॉग इन भी नहीं किया एंड शायद से फिर मैं कभी एसएमपी आता भी नहीं। Until, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त SMP join करता है। @ everyone, new member, Dishan FF zone. Wait, Dishan ने SMP join कर ली? Hello, Dishan. No. अबे तू SMP में आ गया? MCP SMP में आ गया तू? हाँ, वो तो मैं आ गया। अबे सही है भाई, वैसे ही मैं अकेला था, अब कोई आ जाएगा खेलने के लिए। आज SMP में तेरे को सामान दे देता हूँ थोड़ा। ओके यार अबे। ओके ओके। ठीक है। ईशान के आते ही मैंने सीधा SMP ज्वाइन कर ली एंड जब मैं वहां गया मेरे को कुछ ये देखने को मिला। वेट, ये MCP SMP है? यार पर इतने अच्छे बिल्ड्स बने कैसे यहाँ पे? यो MPS भाई। अरे भाई डरा दिया तुमने। अच्छा वैसे ये बताओ, ये MCP SMP के लिए इतने अच्छे बिल्ड्स कैसे बने? तुम्हें नहीं पता बिल्ड बैटल चल रहा है। बिल्ड बैटल मतलब? तो इवेंट अनाउंसमेंट में देख लो, पता चल जाएगा। ओके रुको देखता। हेलो एवरीवन, मैं हूं कोल्ड फायर एंड स्वागत करता हूं आपका MCP SMP के बिल्ड बैटल के अंदर। ये एक न्यू इवेंट है MCP SMP का जिसमें आपको बिल्ड बनाना है एंड एंड तक टाइम खत्म होने तक जिसका बिल्ड सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसको 4 Protection 4 के आर्मर्स मिलेंगे एंड बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द इवेंट, कोल्ड फायर आउट। तो अगर इस इवेंट के प्राइस इतने अच्छे हैं तो हमको भी इसमें पार्टिसिपेट करना होगा एंड एक बिल्ड बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत है उसके सामानों की। तो चलो शुरू करते हैं अपना एक छोटा सा मॉन्टाज। दोस्तों मुझे यहाँ पे एक हॉर्स मिला, इसको लेके चलते हैं, ग्राइंडिंग और आसान हो जाए। Excuse me. गाइस कमेंट करो और बताओ टेक्नोब्रिड का स्टैचू कैसा लग रहा है एंड अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ये स्टैचू क्यों बनाया है, तो आज है टेक्नोब्रिड का बर्थडे यानी कि 1 जून और अभी रात के 2 बज रहे हैं तो बहुत लेट हो चुका है, तो मैं जा रहा सोने, अगले दिन मिलते हैं, बाय। वेट एक सेकंड, मैं आ तो गया हूँ बट कॉल वहाँ पर क्या कर रहा है, किसी ने बांध रखा है इसको। एक सेकंड ना, एक काम करते हैं, तो लेकर चलते हैं। वेट वेट नहीं कॉल।
शेडी, काल को मार के तूने बहुत गलत करा, अब तू नहीं बचेगा। सुन शेडी, ये तो टेलर था, अगर तुम्हें को फिर से कभी मिला मैं तेरे को एसएमपी में मार मार के बैन कर दूंगा, तो दूर ही रहना मेरे से। एंड उसके बाद वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था, बेल बैटल के रिजल्ट का दिन। एंड एट दी एंड इस इवेंट को कैट भैया आराम से जीत जाते हैं। एंड इसके बाद बिस्कुट भी मेरी टीम में आ गया था। एंड मैंने बिस्कुट को एक टास्क दिया था सक्कू भैया को मारने का, एंड वो वैसा करता भी है। एंड जब सक्कू भैया मरते हैं तो वो गलती से अपने बेस रिकॉर्ड्स भी लीक कर देते हैं, एंड यू नो व्हाट टाइम इट इज। ओके, तो हमने सक्कू भैया को पूरा बर्बाद कर दिया है। अच्छा वैसे दिशांत, तू मेरे से कह रहा था कि और लोगों का भी हाथ है मेरे काल को मारने में, तो जरा बता सकता है कि और कौन कौन लोग हैं? अच्छा टेक्नो, वो सब तो ठीक है, बट ये बिस्कुट क्या चैट में बात कर रहा है टीम छोड़ने की? बिस्कुट टीम छोड़ने की बात कर रहा है फिर से? देख दिशांत, मैं ऑलरेडी एसएमपी में बहुत कुछ खो चुका हूँ, मेरा काल हो गया, मेरे टीममेट्स हो गए, अब मैं बिस्कुट को नहीं खोना चाहता। मेरे पास एक प्लान है जिससे शायद से वो वापस आ सकते हैं। और टेक्नो क्या प्लान है तेरा? निशान, तुझे याद है जब मैंने बिस्कुट को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस दिया था? हाँ, तो शायद से ये दोस्ती मेरे से एक और सैक्रिफाइस मांगती है। तो प्लान कुछ ऐसा है कि मैं बिस्कुट से लड़ने स्पॉन जाऊंगा, और स्पॉन जाके मैं उसे लड़ूंगा भी, फिर मैं जानबूझ के उससे भागूंगा, और फिर मैं जानबूझ के अपना क्रिस्टल से टोटम पॉप करूंगा। एंड अब मैं बिस्कुट के लिए एक हिट होऊंगा, वो अगर मेरे को नहीं मारता तो समझ जाना उसने हमको बीटर नहीं करा, बट अगर मारता है तो बीटर तो उसने कर दिया है, और साथ ही साथ मैं इस एसएमपी में खुशी खुशी बैन हो जाऊंगा, क्योंकि फिर मैं इस एसएमपी को खेलना डिजर्व ही नहीं करता अगर मैं अपने सारी चीज़ें खो चुका हूं। तो अब बस ये देखना है कि बिस्कुट क्या करेगा। मर रहे हो? क्या ये वही बिस्कुट है जिसकी मैंने हमेशा जान बचाई है? किधर को आने ही दे रहा भाई? कौन है? कांपते हो भाई? तू कांपते हो? भाग बिस्कुट, 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 क्या ये वही बिस्कुट है जिसके लिए मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को जेल में डाल दिया था? क्या ये वही बिस्कुट है जिसके साथ मैं इतना फन कर रहा हूं? मैं बिस्कुट हूं, मैं स्पॉन में बुला रहा हूं, जल्दी से आओ, एक इंपॉर्टेंट काम है। भाई इसके बस सुन के तो यही बैठ गया। क्या ये वही बिस्कुट है जिसके साथ मैंने टीम बनाई थी और वादा किया था कि इस टीम को कभी नहीं तोड़ेंगे? तुम दोनों कर सकते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस एसेंबली को यू नो काइंड ऑफ डोमिनेट, मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। क्या ये वही बिस्कुट है जिसके साथ मैंने माइनक्राफ्ट में फन किया? क्या ये वही बिस्कुट है जिसके साथ मैंने इवेंट में पार्टिसिपेट करके इवेंट भी जीते हैं? मुझे नहीं पता ये वो वाला बिस्कुट है या नहीं, बट अब उस चीज़ का टाइम आ चुका है जिस चीज़ की मैंने प्रॉमिस की थी एसएमपी से बैन होने की। तो एमसीपी एसएमपी मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है। मुझे नहीं पता हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अगर किस्मत हुई तो ज़रूर फिर मिलेंगे।